फ्रेंड्स, ये है लक्ष्मण रेखा कॉकरोचेस के लिए। गर्मी आ गई है, मेरे किचन में कॉकरोच आ गए। आई डोंट नो कहाँ से आए, पर आ गए। अब ये मैं कहना सफाई नहीं होती, सफाई डेली होती है, पर आई डोंट नो कहाँ से आ गए। गर्मी में पता नहीं आ ही जाता है आई थिंक सो। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअली क्या होता है, ये कहाँ कहाँ होते हैं, मोरी कचरे के डिब्बे के चारों तरफ, गैस सिलेंडर के नीचे। मेरे तो गैस सिलेंडर के नीचे से मैंने एक दो दिन देखा था, तो मैं लेकर आई लक्ष्मण रेखा। तो इसमें बताया हुआ है कि जो लक्ष्मण रेखा है, इसे कॉकरोच के छिपने के स्थान, जैसे कि मोरी कचरे के डिब्बे के चारों तरफ, गैस सिलेंडर के नीचे, रसोई की अलमारी में, जहाँ भी आपको लगता है जहाँ कॉकरोच हैं, तो वहाँ रात को सोने से पहले मोटी मोटी लकीरें खींचें, और उन्हें लकीरों को पार करना ही पड़े कॉकरोच को। इस तरीके से मोटी मोटी खींचें कि आपको पता है यहाँ से आएगा ही आएगा, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच लें। तो इसके अंदर क्या है, कैसी रेखा, मैं आपको दिखाती हूँ। राइट फ्रेंड्स, मैंने इसे ओपन किया, इसमें ये चौक आई है, चौक, ठीक है। मैंने रात को मैंने किया था, मैंने सिलेंडर के आसपास एक सर्कल सा कर दिया था, क्योंकि मोस्टली मुझे दो दिन से वहीं कॉकरोच दिख रहा था। तो फिर आज मुझे क्या दिखा, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं सुबह आई तो मुझे ये देखो, मैंने ये गोलाई खींच दी थी, क्योंकि मोस्टली यहीं से आ रहा था। ये देखो, मैंने अपने सिलेंडर के यहाँ पर कर दिया था, और ये देखो, ये कॉकरोच लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर पाया उससे पहले इसका, टाइम टाइम फिश। तो आप जरूर ट्राई करना, इट्स वेरी इफेक्टिव, लक्ष्मण रेखा।